तुम कहाँ चली गई थी? हॉस्पिटल गया तुम वहां नहीं थी, तुम्हारे होटल चेक किया तुम वहां भी नहीं थी, तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है मुझे मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुपुर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बस करो अनुराग, बस करो, बहुत हो चुका, तंग आ गई हूं मैं इन सब से। अब कोई जरूरत नहीं इन सब फॉर्मेलिटीज की, इन सब दिखावे की। मुझे सब पता चल गया। दिखावा? तुम्हें ये सब दिखावा लगता है? सवेरे से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, रात भर सोया नहीं हूं, तुम्हें ये दिखावा लगता है? क्या पता चल गया तुम्हें? क्या पता चल गया तुम्हें? Never expected this from you. मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था अनुरा कि तुम मुझे चीट करोगे। क्या कहते थे तुम? तानी सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि तानी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। फिर एक झूठ। अनुरा कल मैं इस पार्टी में आई थी और मैंने खुद अपने कानों से सुना तुम्हारी मॉम तुम्हारे एंगेजमेंट की बात कर रही थी। अनुरा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हें फोन किया था अनुरा, सोचा था तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, पर तुमने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया ना अनुराग। हेलो। तो क्या चल रहा है? पार्टी। कभी हमारा तो इंतजार कर लीजिए जनाब। इंतजार ही तो कर रहा हूँ ना। तुम लोग कब तक पहुँचोगे? कहाँ पहुँचे हो आप? Hello? सब लोग प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। आप सब सोच रहे होंगे गांगुली हाउस में अचानक ये पार्टी कैसी। मैं अनु की सगाई बिमलदा की बेटी तानी के साथ करवाने जा रही हूँ। तो सब एक गलत फहमी थी नुपुर, माँ ने अचानक से अनाउंस कर दिया था, उसे पूछा नहीं था। लेकिन तुम्हें तो कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मैंने उसी वक्त सगाई के लिए मना कर दिया था। तानी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ये क्या है अनुराग? थैंक्स अनु, आज तूने वो करके दिखाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसा सिंपल हग। 8 साल बाद उसकी दुकान खुली थी, उसका सपना पूरा हुआ था। मीडिया वालों ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया इसे, कम से कम मुझ पर विश्वास करो। मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ये सब तुम मुझे समझा रहे हो या अपने आप को? प्लीज मेरा विश्वास करो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है? क्या बात है अभी तुम दोनों में? माहौल काफी इमोशनल लग रहा है। अरिंदम, पिछले 8 साल में मैंने तकरीबन 800 बार तेरे साथ फोन पर बात की और तू हर बार बिजनेस और बिजनेस डिस्कस करता रहा। एक बार भी नहीं बताया कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तेरे बेटे ने मना किया था, इसने कहा कि मैं बाबा को खुद बताऊंगा। नुपुर, बेटी मैंने पहले तय कर लिया था, अनुराग जिस लड़की को पसंद करेगा मैं बिना कुछ कहे उसे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगा। तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं। खूब लुखी मन तुम्हें। मेरा बस एक ही शर्त है, मुझे लड़का अमीर चाहिए। 20 दिन के अंदर आपको वो लड़का ढूंढना ही होगा, क्योंकि 1 महीना के अंदर मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। इतने कम समय में इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? और लड़का मिलने को तो मिल भी जाए, लेकिन क्या शादी करने के लिए वो इतनी जल्दी तैयार होगा? आप इस शहर का सबसे बड़ा घटक पोषाए हो, तभी तो मैं आपको बुलाई हूँ। इतना सारा शादी करते हो आप, आपको लड़का ढूंढना ही होगा। और हाँ, पैसा का चिंता मत करो, जरूरी हुआ तो मैं घर बेच दूंगी।
वो भी कम पड़ा तो सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन मुझे शेखर गांगुली से बड़ा घर चाहिए अपना बेटी के लिए। उस घर से बड़ा घर चाहिए मुझे अपना बेटी के लिए। हम कोशिश करेंगे। से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे किसी भी तरह उसकी गलतफहमी दूर करनी है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है, लेकिन अनु 10 साल भी इस घर के सामने खड़ा रहेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। तुम होनी को नहीं टाल पाओगे। अनु, जिस लाबोनी माँ को तू अपनी माँ मानता है, उसी माँ ने तेरी बर्बादी मांगी है। जिन हाथों ने तुझे बचपन से खाना खिलाया, उन्हीं हाथों ने तेरे आंसुओं के लिए दुआ मांगी है। लाबोनी थी उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन तू पल पल रोने पर मजबूर हो जाए। तू ये जानता है ये सब क्यों हो रहा है? अनु, दुनिया में सबसे बड़ी जंग एक औरत की वजह से हुई थी। एक औरत को अगवा करने पर ही रावण को सजा मिली थी। तुझे भी सजा मिलेगी क्योंकि तूने तानी का दिल तोड़ा है, लेकिन तू अकेले नहीं भुगतेगा, मैं भी तेरे साथ भुगतूंगी। कुछ मेरी आंखों के सामने होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, यही सजा होगी मेरी। मेरी तानी फूट फूट कर रो रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। कल भगवान ना करे कि तेरे साथ भी कुछ। माँ, अगर मेरे टूटने से तानी के आंसू कम हो जाते हैं तो मैं टूटने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे बर्बाद होने से लाबोनी माँ को खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं। मैं आपको क्या लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता? लाबोनी माँ तानी मुझसे इतना नाराज है, मुझे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है माँ, लेकिन प्यार फैला फुसला के नहीं होता ना। जैसे बचपन में आप लोगों ने हमारी शादी करवा दी थी, तानी से प्यार करता हूं, उसके प्यार में मिट सकता हूं मैं, लेकिन मिटने के बाद भी उस प्यार को नहीं भुला सकता जो मैं नुपुर के लिए फील करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और नुपुर मेरा प्यार। मेरी गलती क्या है? मैं, ये देखिए, बहुत सुंदर है। ये सुंदर है,
मेरा तानी पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ तानी देख तो कितना सुंदर लग रहा है, तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत पसंद है बाबा, तू भी देख रहे तुझे पसंद है कि नहीं। और ये साड़ी, ये साड़ी का रंग देख तो कितना अच्छा लगेगा तुझ पे। हाँ बता दो ये सब क्या है? क्या है देख तो रहा है, सभी तैयारी चल रही है, अभी देख बिल्कुल समय नहीं है, हाँ बहुत सारा काम करना है, तो पहले इन सबसे ही निपट लूं मैं, नहीं तो बाद में एक महीना में क्या क्या करूंगी मैं बाबा। माँ क्या बोल रही हो, किस चीज में एक महीना बचा है? शादी होने वाली है तेरी। क्या माँ? हाँ निलंजना को चुनौती दी हूं मैं कि एक महीना उससे बड़ा घर और अनुराग से ज्यादा अच्छा लड़के से शादी करूंगी मैं तेरी। पर माँ मेरी शादी कैसे हो सकती है? क्यों क्यों नहीं कर सकती तू शादी? माँ मेरी शादी तो दादा आप लोग अभी कल आना और ज्यादा ज्यादा सामान लेकर आना, कोलकाता का सबसे अच्छा सामान मुझे अपना बेटी के लिए चाहिए। नमस्कार। अच्छा तू अभी तक उसी बात को पकड़ कर बैठी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुझे अक्कल नहीं आया, पार्टी में सबके सामने वो तुझे मना किया, अरे वो इस शादी को नहीं मानता तो तू उस शादी को क्यों मान रही? तानी तू तू सपनों की दुनिया से बाहर कब आएगी बाबा? अरे बाबा सच्चाई का सामना कर, तू उसकी पसंद नहीं है, उसकी पसंद कोई और है। मैं जानती हूं मां मैं उसकी पसंद नहीं हूं, वो मुझे नहीं चाहता, हमारे रिश्ते को भी नहीं मानता, पर मैं क्या करूं, मैं तो पिछले 8 साल से उसी रिश्ते में जीती आई हूं ना, मेरी ही गलती है, मैं जानती हूं मेरी ही गलती है कि मैं सपने देखती आई, इसीलिए आज सजा भी मैं ही भुगत रही हूं, पर इस सबका मेरी शादी से क्या लेना देना? तुझसे ज्यादा मैं तुझे जानती हूँ तानी, तू मन ही मन में घुटती रहेगी लेकिन प्रभु से कुछ नहीं बोलेगी, घुट घुट कर जीती रहेगी, और मैं नहीं चाहती कि तू अपना सारा जीवन ऐसा घुट घुट कर बता, इसलिए मैंने सोच लिया कि जब तक तेरा जीवन में कोई और नहीं आएगा ना तू अनुराग को नहीं बुला पाएगी। लेकिन मां तुम अगर तू नहीं मानेगी ना तो मैं जबरदस्ती तेरी शादी कर दूंगी। मां ये कोई रास्ता नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ अनु है और अपने दिल में अनु को रख के मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की जिंदगी खराब करें। तो तू क्या शादी ही नहीं करेगी? माँ मुझे वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूल सकती। माँ ये जख्म बहुत गहरे हैं, भरने में वक्त तो लगेगा ना। कितना वक्त चाहिए तुझे तानी? एक साल, 2 साल या फिर शायद पूरी जिंदगी। मैं नहीं जानता कि मेरा तुमसे ये सब कहना कितना सही है, और खास तौर से इस घर का दामाद होने के नाते तो मुझे बिल्कुल ये सब नहीं कहना चाहिए तुमसे, लेकिन क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा जिंदगी में हर रिश्ते से ज्यादा इंसानियत के रिश्ते को ज्यादा अहमियत दी है। मतलब ये नूपुर कि मैं तुम्हारे परेशानी की वजह जानता हूं और वो वजह बिल्कुल सही है। नूपुर अनुराग सच में तानी से बहुत प्यार करता है, और वही सिलसिला
आज 8 साल के बाद फिर से शुरू हो गया है। अनु को तुम्हारे पापा के पास भेजने का कारण ही तानी थी। हमने सोचा था कि उसे कुछ सालों तक तानी से दूर रखने के बाद तानी को भूल जाएगा वो, लेकिन नहीं भूल पाया है। आज भी 8 साल पहले जो उसकी शादी हुई थी तानी के साथ, उसे ही सच मानकर चल रहा है। शादी? किसकी शादी? अनुराग और तानी की शादी। उसने तो बताया होगा तुम्हें जो 8 साल पहले उन दोनों की शादी हो चुकी थी। I'm really sorry नुपुर, मेरा मतलब, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे तो लगा था कि अनुराग ने तुम्हें बताया होगा। Excuse me. हेलो, मुझे बहामास के लिए एयर टिकट बुक कराना है। आज, बल्कि अभी, अभी से 2 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। या अमेरिका का जंक फूड खाते खाते बोर हो गया तू, इसलिए तेरे लिए खास बंगाली खाना बनाया। बेटकी माछ भाजा और सरसों बाटा दी इलिश माछ। ये नुपुर का पापा अभी अभी तो यही थे, शायद गैस पे तो लग गई होगी। बुलाओ उसे। अनन्या जरा देखना प्लीज। हाँ। दिया आप रहने तो मैं देख क्या था। नुपुर, नुपुर, डैड मैं जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बात का पता चले, इसलिए पीछे के दरवाजे से जा रही हूँ। और हाँ, मैं अपने घर नहीं, अपने टूर्स पर जा रही हूँ। जल्दी आपको फोन करूंगी डैड, बाकी किसी से और कोई बात नहीं करनी मुझे। सी यू सून। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।